देखिए समाज में सब खुशी के पीछे दौड़ रहे हैं, सबको क्या चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, और वो आनंद खुशी कैसे मिलेगा? मतलब हम अकेले खुश हो सकते हैं क्या? मतलब आपके परिवार में कोई खुश नहीं है, आप सिर्फ आप खुश हो, ये चलेगा क्या? नहीं, परिवार में एक भी व्यक्ति दुखी होता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। इसलिए सबका सुखी से हम सुख हो सुख पा सकते हैं। परिवार में सब सुखी सब खुश रहे तो हमको खुशी मिलती है, राइट? इसको थोड़ा बड़ा वो आपका परिवार पूरा सुखी है, आपके आजू बाजू में झगड़े झंझट अड़ोस पड़ोस के लोग तलवार लेके खड़े हैं, खून खराबा हो रहा है, चोरी वगैरह हो रही है, अब आप खुश रह सकते हो क्या? आपके सड़क में भी किसी के घर में गड़बड़ चला तो पुलिस आके वहां कॉर्डन कर देता है, आपको आना जाना बड़ा मुसीबत हो जाती है, आने जाने में बड़ा मुश्किल खड़ा कर देते हैं, है कि नहीं? आपके सड़क के ही कोई आदमी है, वो पिक्कड़ है, वो पीता रहता है और उद्धम मचाता रहता है, तब आपको आराम मिलेगा क्या? नहीं, उसको और थोड़ा बड़ा हो। इसी तरह से आपके पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी समस्या, आप घर में तो आप खुश हैं और रोज कहीं दंगा फसाद झगड़े झंझट हो रहे हैं, तो आप शांति से रह सकोगे क्या? आपके सड़क में लोग नहीं आ सकते हैं, आपके यहाँ कोई आ ही नहीं पाते हैं, मुश्किल हो जाता है आपके नगर शहर में, तो पूरा शहर ठीक रहे। और इसी तरह से यदि पूरा देश में सब महंगाई बढ़ जाती है, सब हाहाकार है, चोर है, तब हम सुखी रह सकते हैं क्या? नहीं, तो सारा देश सुखी रहे तो हम सुखी रह सकते हैं। इसीलिए दिव्य समाज निर्माण है। क्यों? एक दिव्य समाज निर्माण का कल्पना क्या है? जब सारे समाज में दिव्यता आए तो व्यक्तिगत रूप से आप भी सुखी रह सकोगे। इसलिए थोड़ा बहुत हमको सबके लिए करना जरूरी है। एक साधु सन्यासी त्यागी समाज सेवक जो है वो अपना 100% सब लगा देता है, सब करते हैं। बाकी लोग कह सकते हैं देखिए हम तो परिवार वाले हैं, हमको अपना सब रोटी पानी देखनी पड़ती है। हाँ देखिए, मगर थोड़ा सा समय 1 घंटे 2 घंटे आप दिव्य समाज के लिए भी रखिए। क्यों? जब तक सभी तरफ से एक वातावरण नहीं बनता है तो हमारा भी कुछ नहीं टिकेगा। ये बात हमको समझाना जरूरी है सबको। आपको पता है 90% जो समस्याएं हैं वो आपस में सुलझाते नहीं है, कोर्ट तक लेके जाते हैं। छोटी सी बात और कोर्ट में लगा रहता वो सालों, किसी को भी कुछ नहीं शांति। आदमी मर जाता है उसका लगा हुआ केस चलता रहता। ऐसे ही अलग अलग केसेस हैं, ये सब आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से बातचीत करके एक समाधान कर लेना चाहिए। दिव्य समाज निर्माण का कल्पना यही है, जब तक पूरे समाज में एकता नहीं है, सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से भी कुछ होना मुश्किल है।